नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे सामने एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी में देखेंगे मतलब ये गाड़ी का मकसद क्या है। मैं एक आपको दिखाता हूँ कि ये जो वाहन आ रहे हैं उसका मतलब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्या मकसद है, इसके विषय में मैं वीडियो द्वारा बताऊँगा। ये गाय है गरीब सेवा साधु जननी की तरफ से हैं और जो भी यहाँ पर जो है गायों के लिए सेवा दी जाती है इसी वाहन से, जो गाय एवं गरीब से सेवा साधु जननी की एक गाड़ी है वो गायों जो रोड पे कोई अगर आवारा कोई ऐसी बीमार गाय होती है तो उस लाने के लिए ये सेवा दी जाती है। साधु जननी यूट्यूब द्वारा ये जो वाहन है वो एक गायों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं और गौ माताओं की सेवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो कोई बीमार गाय होती है कहीं पर हो, कोई किसी का अगर कॉल आ जाता है कि वहाँ पर गाय बीमार है तो इस वाहन द्वारा और गायों को यहाँ गौशाला के अंदर पहुँचाया जाता है और यहाँ पर इलाज होता है और बहुत अच्छे यह सुविधा है साधु जननी जर्नी चैनल द्वारा। ये बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से बहुत सेवा दी जा रही है, अच्छी सेवा दी जा रही है ये और 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है। तो जय बालाजी की साथ जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो साहब, ये जो साधु जननी लिखा हुआ है वो वाहन दिखा रहा हूँ मैं, इस वाहन को जो गौ माता की सेवा के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ये जो है पहले जो ओपन में ठाण लगाए हुए थे उसके लिए लेकर के आए। अच्छा, मतलब चारा का जो बोरा भर भर के, जहाँ जो बाड़ा है कोई नोरा है उसमें से बोरा भर भर के हम वहाँ डालते थे, ठाण जो लगाए हुए थे वहाँ ले जाते। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए लेकर के आए थे और ये गाय एवं गरीब सेवा ट्रस्ट के ही कार्य कर रहा है। जैसे मतलब है राशन सामग्री के पैकेट हैं, अच्छा कोई सामान लाना करना है और सामान है इसमें गाल लिया। आपके राजासर में भी हमने कम से कम 20 परिवारों में बार बार राशन के पैकेट दिए। अच्छा अच्छा, राजासर दुकान में। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी तो काम आती है, मैंने हाँ चाटा जो लेकर चाटा आटा हार के कट्टा, कोई जो ये गाड़ी है ये जो पशु है वो जो रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे पास है वो व्यवस्था अभी तक नहीं है। अच्छा, वो अभी जो सिस्टम ही पूरा का पूरा आप देख रहे हैं बिल्कुल नया है। अच्छा, हमारे पास डॉक्टर की व्यवस्था मेडिकल की सुविधा अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, हम जो है गाय वो लेते हैं जो आवारा है, सुन्नी है, भूखी है, लाचार है, उसका मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, लाचार है, परेशान है, बुढ़ी है, उस गाय को हम ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, ले भी लेते हैं, हमें कोई दिखाई देती है हम गाड़ी में लेकर के आ भी। अच्छा अच्छा, लेकिन वैसी सुविधा मेडिकल वाली तो आप देख रहे हैं अभी तक पूरी साथ ही हो रही है। हाँ हो रही है, सुविधा हो रही है, हो रही है धीरे 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 धीरे। टीन सेट बनेंगे, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कनेक्शन की। अच्छा साहब, एक जैसे कोई ये सोचेगा दर्शक है मतलब कौन सी जगह पर है, तो ये मतलब कालू लूनकण सर सरदार सर रोड, ये है गाँव गारबदेसर जिला बीकानेर और स्टेट हाईवे है सरदार शहर से लूनकण सर। अच्छा अच्छा, इस रोड के ऊपर जो उस रोड पे है और मतलब तैनात यहाँ पर मतलब जो सेवा आ रहे है वो मिल जाता है जरूर, हर 24 घंटे रहते हैं। रात की सेवा देने वाला अलग है, दिन की सेवा वाले अलग हैं, रात का और दिन का अलग अलग से। हमने पौधा की सुरक्षा के लिए पौधों में पानी डालने के लिए एक लड़का अलग से रखा हुआ। अच्छा, है अच्छा। दिन में एक महिला जो है गोबर डालना इधर उधर, गायों को जो है चारा डालना पानी पिलाना वो एक अलग से कार्य करती है। अच्छा, अच्छा। रात को जो है वो एक रात को सोने वाला अलग से है चौकीदार। अच्छा, और कोई अगर दानदाता अपने चैनल को देखेंगे कि ये इसमें हम कुछ दान करना चाहते हैं तो मतलब कोई अकाउंट वगैरह भी है? एवं गरीब सेवा ट्रस्ट का QR कोड है, स्कैनर है, उसी पर पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट है जो मेरे नंबर पे जरूर भेजें 7976918580 और आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके और मुझे सीधा कॉन्टेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7976918580, इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करें। मैं स्कैनर QR कोड भेज भी दूंगा और प्रत्येक वीडियो के अंत में साधु जर्नी के जो वीडियो हैं अंत में आपको QR कोड और नंबर ज़रूर मिलेंगे।
तो दोस्तों ये साधु जननी के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है और जो भी सेवाएं हो रही है वो इसके माध्यम से बताई गई है, और जो भी दान दाता है वो इस साधु जननी सेवा के विषय में कोई दान करना चाहते हैं, कोई गवों के लिए, कोई पक्षियों के लिए, कोई अनाथ, कोई गरीब लोगों के लिए, वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर दर्शाया गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय सियाराम, जय सियाराम।